एक जगह मैंने होलसेल रेट में बात किया हुआ है और माय गॉड रियली में यार, मिशलिन टायर लगाने के बाद जो परफॉर्मेंस बाइक की है, एक जो स्टेबिलिटी मिलती है वो जबरदस्त मिल रही है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल अजीत बाइकर ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। गाइज तो गाइज आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि मैंने वीडियो किस बेसिस पे बनाया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये मेरी बाइक है और मेरी बाइक में एक चीज़ की कमी लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरा जो फ्रंट का एलॉय जो है व्हाइट कलर का है और पीछे का एलॉय जो देख रहे हो ब्लैक कलर का है, तो इसको मैं चेंज करने के लिए जा रहा हूँ और पीछे वाला जो एलॉय है इसको मैं व्हाइट करने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी चलिए दिखाते हैं एलॉय कैसे पेंट करते हैं और इसका मैं टायर भी चेंज करने के लिए जा रहा हूं और टायर को मैं अपग्रेड करूंगा, क्योंकि ये जो देख रहे हो ये MRF का टायर है, यहां पे देख सकते हो MRF का, तो मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूं और इसमें मैं मिशलिन का टायर लगाने वाला हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं सारा प्रोसेस। अभी मैं मोटो ब्लॉगिंग मोड में आ चुका हूँ और आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ प्रोसेस। सो ऑलरेडी जो है एक जगह मैंने होलसेल रेट में बात किया हुआ है और उनके पास उस वक्त मिशलिन का टायर नहीं था, जो कि मेरे को सिटी प्रो चाहिए था। तो पहले मैं MRF का जो टायर शॉप है वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे टायर को खुलवाते हैं। ये सब बाद में लगवाए। हाँ अभी मैं MRF का शोरूम के पास आ चुका हूं और मैं अपना रेयर टायर को खुलवा रहा हूं इस जगह पे। तो फ्रेंड्स यहां पे कुछ लोग ऐसे यहां पे आए हुए थे कि ऐसा देख रहे थे कि ये पल्सर की कौन सी बाइक है और ये सब एक्सेसरीज कहां से लगवाया है। सो ऐसा लोग कमेंट में पूछते हैं और यहां भी कुछ लोग पूछ रहे हैं। मेरा जो टायर है वो निकल चुका है जिससे कि आप देख सकते हो, और अभी मैं इसका एलॉय निकाल कर इसको पेंट करने वाला हूं। और इसका जो टायर देख सकते हो MRF का टायर है और इसमें अभी भी पंक्चर हुआ पड़ा है और इसकी जो ग्रिप है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये रहा मेरा जो बाइक का टायर है वो खुल रहा है इस जगह पे। तो फाइनली टायर मेरा खुल चुका है और एलॉय मेरा ये रहा, तो इसको पेंट करवाना है और अभी चलते हैं इसको पेंट करवाते हैं। जस्ट इसके पास में है जैसा क्या MRF का आप देख रहे हो यहाँ पे, और पेंट वाला जो है पेंटर जो है यहीं पास में है, तो वहीं पे पेंट करवाऊँगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे मारुति सुजुकी के पास में जस्ट यहाँ पे पेंटिंग होता है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा पेंटिंग होता है और मैं बहुत पहले भी यहाँ पे पेंट करवा चुका हूँ। सो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे पेंटिंग हो जाता है और इसी जगह मैं अपना एलॉय को पेंट करवाने वाला हूँ। तो मैंने फाइनली एलॉय इनको दे दिया है, अभी इसका सैंडिंग होना है उसके बाद पेंटिंग होना है। तो आप देख सकते हो मेरा एलॉय यहाँ पे है। सैंडिंग हो चुका है और अभी इसमें पेंटिंग होना बाकी है। सो अच्छी तरीके से सैंडिंग हो चुका है इसमें, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर एलॉय पेंट करवाते हो तो इसको अच्छी तरीके से सैंडिंग करवा लेना ये एरिया को। तो आप देख सकते हो फ्रेंड मेरा जो एलॉय का जो कलर है वो प्योर वाइट नहीं है, उसमें थोड़ा सा मैं येलो डलवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्रीम वाइट मेरा एलॉय का कलर है। सो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कलर जो है रेडी हो रहा है और वाइट में दो बूंद आपको येलो करवाना होगा जिससे क्रीम वाइट हो जाता है। बस 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 यहाँ पे देख सकते हैं एक और भी बाइक का एलॉय आ चुका है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टायर्स अवेलेबल हैं और मैं टायर का शॉप में आ चुका हूँ और फाइनली मेरे को मिशलिन का टायर मिल चुका है और जो मेरे को साइज़ चाहिए था सेम साइज़ मेरे को मिला है और प्राइस मैं आगे बताने वाला हूँ कितना प्राइस में मेरे को मिला है। सो आप अगर चाहते हो बोकारो में बाय करना मिशलिन का टायर तो आप नेक्सा शोरूम के जस्ट पास में आ जाना और देख सकते हो यहाँ पर टायर बहुत सारे अवेलेबल हैं आपको स्कूटी के बाइक के और फोर व्हीलर के सारे टायर्स यहाँ पे मिल जाएंगे और इसकी जो प्राइस मेरे को मिला है 3450 रुपीज़ है इंक्लूडिंग GST। सो फाइनली मेरे को ये कॉस्ट जो पड़ा है 3450 रुपीज़ का मेरे को मिला है। सो चलिए इसको बाइक में इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा लुक आता है गाइस। फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे टायर को इंस्टॉल करने वाला हूँ एलॉय में। फाइनल लुक फ्रेंड्स ये रहा, यहाँ से आप देख सकते हो कितना स्पोर्टी लुक आ रहा है और ये जो है मिचलिन का सिटी प्रो है और इसकी जो साइज़ है 120/80/17 है और कॉस्ट मैंने आपको बता दिया है। सो आप देख लो फाइनल लुक। सो इसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ आफ्टर 1000-2000 के बाद मैं इसका रिव्यू निकालने वाला हूँ। सो फाइनल इसमें इंस्टॉलेशन हो चुका है और ये भैया बड़ा खुश है मिचलिन टायर को देख के क्योंकि ये MRF में काम करते हैं बट इनको मिचलिन का टायर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ओ माय गॉड रियली में यार मिचलिन टायर लगाने के बाद जो परफॉर्मेंस बाइक की है, एक जो स्टेबिलिटी मिलती है वो ज़बरदस्त मिल रही है और मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ यार। सो आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ गाइस कि आप अपने बाइक में लगाओ क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा, एक जो मिचलिन टायर का एक खासियत ये है कि ये रोड को चिपक के चलती है यार टायर इसकी। सो काफ़ी मेरे को बेहद पसंद आया और बिल्कुल भी देख सकते हो कितना स्टेबिलिटी है, बिल्कुल भी बाइक जो है डगमगा नहीं रही है और स्टेबल है। तो मिचलिन टायर यार बेस्ट है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया होगा गाइज और थोड़ा सा यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड राइड सेफ गाइज। चलिए बाय।